नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। धनतेरस के दिन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी जी आपके घर में हमेशा विराजमान रहें। वैसे आज का दिन ना मुझे बड़ा ही पसंद आता है, क्योंकि आज से शुरू हो जाती है त्योहारों की लाइन और हम हमारा दिन शुरू करने वाले हैं रंगोली बनाने से। मैं मार्केट से स्टेंसिल्स लेकर आई हूँ ताकि दीवारें को मैं रंगोली बनाने में इन्वॉल्व कर सकूँ, और वो सुपर एक्साइटेड है। यू कैन सी वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है रंगोली बनाना। दीवारें दिखाओ। इज नॉट रेडी नाउ। ओह, यू आर स्टिल मेकिंग इट। यस। गुड, मेक इट। बच्चों को इन्वॉल्व करना अपनी दिवाली की डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली रंगोली में, और काफ़ी क्रिएटिविटी तो ये इग्नाइट करता ही है बच्चों में। साथ के साथ उन्हें त्योहारों की इम्पोर्टेंस पता चलती है, उसके पीछे का रीज़न पता चलता है। जैसे दो दिन पहले ही इसके स्कूल में रामायण का एक्ट हुआ था, तो उसने मुझे आके पूरी कहानी बताई कि मम्मा ऐसे ऐसे होता है, और श्री राम जी जब वापस आते हैं तो देन दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। सो ही टोल्ड मी द होल स्टोरी। तो अपने बच्चों को कल्चर की नॉलेज देना, त्योहारों के बारे में सिखाना काफ़ी ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तो इन सब त्योहारों को ज़रूर याद रखें। ऐसा ना हो समय के साथ त्योहारों की यादें जो हैं वो धूमिल हो जाएं। तो मैं चाहती हूँ कि वो देखें मुझे कि मैं किस तरीके से त्यौहार सेलिब्रेट कर रही हूँ, ताकि वो सीखें मुझसे कि हमें भी इस तरीके से अपने फेस्टिवल्स को मनाना चाहिए। गुड। तो उसकी भी रंगोली रेडी हो रही है, तो बस चलो हम बनाते हैं अब रंगों की रंगोली। मेरे मिरर में रख देती हूँ। आर यू एक्साइटेड? यस, वेरी एक्साइटेड। व्हाट्स योर प्लान फॉर रंगोली? वी हैव टू पुट रंगोली इन दिस, देन बिकॉज़ ना एवरीबॉडी इज कमिंग इन माय होम टू To meet Hanuman ji. So you are decorating your house? Yes. Shri Ram ji and Hanuman ji. ये लक्ष्मी जी के पैरों का स्टेंसिल मैं लाई हूँ, और स्वास्तिक, ये दो चीज़ें मैं लाई हूँ। और ये हमारे पास पहले से ही पड़ा था, फ्लोरल वाला। And because then only Hanuman ji, then only Hanuman ji will come to our house na when we decorate so nice. Oh. हनुमान जी नहीं, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी वेलकम। यस, वी डेकोरेट लाइक दिस। ओह, चलो लेट्स स्टार्ट इट। लेट्स स्टार्ट इट। ओके। तो मेरा मंदिर तो सज गया है। आप लोग अपने मंदिर की फ़ोटोज़ मुझे ज़रूर पोस्ट करिए, मुझे नए नए आइडियाज़ मिलेंगे अपनी अगली दिवाली के लिए, और मुझे देख के बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी फैमिली ने मेरे साथ फ़ोटोज़ शेयर। तो ये है हमारी धनतेरस की परचेज़। इस बार सोना चांदी खरीदने का कोई प्लान नहीं था हमारा, तो मम्मा ये 6 ग्लास स्टील के लेकर आई हैं। धनतेरस पे आप कोई भी यूज़फुल आइटम स्टील की ले सकते हैं, वो भी शुभ रहता है। और यहाँ TU का खेल शुरू हो गया इन्हीं क्लासेस के साथ। टेबल तोड़ने की कोशिश चल रही है। धनतेरस के ग्लास हैं। अरे वाह, वेरी गुड, स्टैक कर रही है। टियू, टियू से हेलो, से हेलो, हेलो। अरे बाप रे, वाटर पी लो, वाटर वाटर वाटर।
तो चलिए अब कुछ मीठा हो जाए। आज मीठे में सोचा मालपुआ बनाते हैं और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करते हैं, जिसके लिए मैंने 3/4 कप आटा लिया है और 1/4 कप सूजी। मैदे का इस्तेमाल मैं नहीं करने वाली हूँ, इन्हीं दोनों चीजों से बैटर बनाऊंगी। 1 कप दूध लिया है मैंने, ये नॉर्मल कप है जो हम घर में चाय पीने के लिए यूज करते हैं, बस वही कप लिया है मैंने। इससे हम बनाएंगे बैटर थोड़ा थोड़ा दूध डाल के। ये मैंने 1 कप चीनी ली है, 1 कप पानी में ही इसे घोल के हम उबाल लेंगे चाशनी बनाने के लिए। बैटर बनाते टाइम हम डालेंगे इलायची पाउडर और सौंफ पाउडर, जिसे मैंने कूट के पहले ही रख लिया है। 1/4 चम्मच लेंगे, आप चाहें तो इलायची थोड़ी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ये मलाई है, 2 चम्मच मलाई भी हम बैटर में डालेंगे, इससे जो मालपुए हैं काफ़ी मलाई जैसे सॉफ्ट बनेंगे। ये घी है, घी का इस्तेमाल हम मालपुआ तलने के लिए करेंगे, आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं ऐसी मिठाइयों के लिए घी का ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा स्वाद आता है मिठाइयों में। ये फूड कलर है, येलो कलर है ये, मैं वैसे तो केसर यूज़ करती हूँ बट आज घर में ख़त्म था तो इसलिए मैंने फूड कलर लिया, आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं हमारा बैटर। बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो ना ज़्यादा गाढ़ी हो और ना ही पतली, मॉडरेट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लगभग 3/4 कप दूध मेरा यूज़ हो गया था और फिर हम इस बैटर को ढक के 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे और फिर हम बनाएंगे अपनी चाशनी। 1 कप चीनी को 1 कप पानी में घुल जाने के बाद सिम पे 2-3 मिनट रखकर पकाएंगे और उसके बाद आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर और इलायची पाउडर और फिर इसकी चिपचिपाहट को चेक करेंगे। तार नहीं बननी चाहिए, सिर्फ हल्का सा चिपचिपाहटपन जो है आना चाहिए। मालपुए बनाने के लिए आप एक फ्लैट बॉटम वाला पैन ही लीजिए, एक करछी में बैटर भर के उसे थोड़ा ऊपर से ही घी में छोड़िए। जब तक एक साइड आपकी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है उसे पकाइए, गैस को सिम पे ही रखिए या ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम आंच तक, उससे ज़्यादा नहीं। गोल्डन ब्राउन होने पे हम उसे पलट लेंगे और फिर दोबारा दूसरी साइड को पकने देंगे। लगभग 2 मिनट या 2 से 2.5 मिनट भी लग सकते हैं एक साइड को पकने में और फिर इसे निकाल के आप चाशनी में डाल दीजिए।